नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2 अक्टूबर को हमारे देश में महात्मा गांधी जी की गांधी जयंती के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है, लेकिन इसी दिन यानी कि आने वाले 2 अक्टूबर को NMOPS नेशनल मोमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम की ओर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में यहां पर पुरानी पेंशन बहाली के लिए संकल्प दिवस यहां पर मनाया जा रहा है। ये संकल्प दिवस कुछ इस तरह से मनाया जाएगा, अपने अपने ब्लॉक में, जिले में जहां पर भी महात्मा गांधी जी की प्रतिमा होगी वहां पर जाकर कर्मचारियों के द्वारा पुष्पार्पण किया जाएगा। यहां पर कर्मचारी ज़्यादा भीड़ में नहीं बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन कोरोना वायरस को लेकर यहाँ पर बनाई गई है उन गाइडलाइनों का पालन करते हुए जाएंगे, वहाँ पर पुष्पार्पण करेंगे और ये संकल्प लेंगे कि जब तक OPS यानी कि पुरानी पेंशन बहाली नहीं की जाती, जब तक NMOPS नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम की ओर से संघर्ष जारी रहेगा अपने कर्मचारियों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम की मांग यहाँ पर वह करते रहेंगे। साथ ही इसी दिन यानी कि 2 अक्टूबर को शाम में 3 से 6 बजे तक ट्विटर ट्रेंड #NPS निजीकरण भारत छोड़ो को भी यहां पर ट्रेंड कराने का प्रयास किया जाएगा और इस ट्विटर ट्रेंड के समय, इस ट्विटर को ट्रेंड करते समय #NPS निजीकरण भारत छोड़ो को ट्रेंड कराते समय प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, रेल मंत्री, गृह मंत्री जैसे बड़े नेताओं को भी यहां पर ट्रैक किया जाएगा और उनसे भी पुरानी पेंशन बहाली, पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने के लिए विनती और रिक्वेस्ट की जाएगी। तो दोस्तों, देखते हैं आगामी 2 अक्टूबर को NMOPS नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ से चलाया जा रहा अभियान कितना सफल होता है। आपका इस पर क्या विचार है, आपका क्या सुझाव है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप भी यदि एक सरकारी कर्मचारी है, पुरानी पेंशन बहाली OPS के लिए डिमांड करते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि यहाँ पर हम इसी तरह से कर्मचारियों के रिलेटेड जो भी खबरें होती है वो यहाँ पर आपको सबसे पहले पहुँचाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।